search Digipo on YouTube. मिस्टर हब की पपी से दोस्ती। जिनी स्टेशन पर यात्रियों को उतारने जा रही है। हम स्टेशन पहुंच गए। शुक्रिया। थैंक यू जिनी। मेरा फर्ज था। गुड बाय। आपका दिन अच्छा हो। मेरा काम हो गया, अब घर चलती हूँ। तुम यहाँ कोनी? हेलो कोनी। जिनी हाय। गुड आफ्टरनून। कितना प्यारा है, तुम कौन हो? ये प्यारा सा पपी कोंगी का बच्चा है। इसलिए शक्ल भी मिलती है। मिलती है ना? मैं चाहती हूँ कोई ऐसा मिल जाए जो इस पपी का ध्यान रखे। जो भी इस पपी को पालेगा किस्मत वाला होगा। तो इस पपी को तुम ही क्यों नहीं पाल लेती जीनी? मैं इसे पालूं? हाँ, तुमने कोंगी का बहुत ध्यान रखा था, इसलिए मुझे लगता है तुम इसे संभाल लोगी। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। चलो हम दोस्ती कर ले। पपी को लेकर जीनी चूचू टाउन में आ गई। मिस्टर हब, मिस्टर हब। ओहो, आज तो तुम बहुत खुश नजर आ रही हो जीनी। जी हाँ, क्योंकि मेरे पास दुनिया का सबसे प्यारा पपी है। चलो अच्छा है। मिस्टर हब, क्या हम यहाँ इस पपी को रख सकते हैं? क्या कहा, पपी को यहाँ रखना है? यहाँ एक डॉग को रखना तो बहुत मुश्किल होगा। लेकिन क्यों? क्योंकि यहाँ ऐसा करना मना है। मना है? अब मैं क्या करूँ? बात पूरी हो गई हो तो तुम जाकर आराम कर लो। ठीक है, बाय बाय मिस्टर हब। बाय बाय। वाओ, कितना प्यारा पपी है। मुझे पता है, मैं इसका अच्छे से ध्यान रख सकती हूँ, लेकिन मिस्टर हब क्यों नहीं मान रहे? याद आया, शायद मैंने स्टीम से सुना था कि मिस्टर हब को डॉगी से डर लगता है। सच में? मुझे बहुत दुख है, लेकिन तुम्हें ये पपी वापस करना पड़ेगा। सच कह रहे हो? मैं अपने प्यारे पपी को वापस कैसे करूं? मैं इसे सबसे छुपा कर पालूंगी। क्या? तुम मेरे साथ घर चलोगे पपी? शायद ही काम कर जाए। अगला दिन शुरू हो चुका है और जीनी अपने काम पर जाने वाली है। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, यही इंतजार करना। शैतानी मत करना। लंच का टाइम हो गया, खाना खा लेता हूँ। ये आवाज कैसी है? भाग जा, भाग जा। केला चाहिए? ये लो। जी, चेक करने के लिए शुक्रिया। किसी ने अभी तक गुम हुए पपी के बारे में पूछताछ भी नहीं की। चलो अच्छा है, अपने घर गया। अगले दिन की शुरुआत। टहलने के लिए ये मौसम बहुत ही अच्छा है। भाग जाओ, भाग जाओ यहाँ से। बार बार क्यों आ जाते हो? तुम्हें फिर से भूख लगी है? खाना बाहर मिल जाएगा तो अंदर नहीं आएगा। हाँ, 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 हाँ,
तुम यहाँ बैठकर खाना चाहते हो? शैतान पपी, इसी जगह पसंद आ गई है। धीरे धीरे मिस्टर हर्ब का डर दूर होने लगा। बारिश बहुत तेज हो रही है। प्यारे पपी, तुम तो भीग गए। टिटीपो टिटीपो। मैंने तौलिया कहां पर रख दिया? मिल गया। तो तुम्हें ठंड लग रही है? अच्छा लो, पहुंच दिया। अच्छा ठीक है, ये लो। ओ, ये क्या कर रहे हो? नीचे उतरो। लगता है इसका कोई मालिक नहीं है, इसे यहीं रख लेता हूँ। मुझे याद आया, जीनी, यहाँ पर एक डॉग को रखना बहुत मुश्किल होगा। परेशानी यह है कि मैं तो खुद जीनी को मना कर रहा था। ओ जीनी, तुम आ गई, तुम्हारा काम खत्म हो गया? जी हाँ। ये तो किसी पपी की आवाज लगती है, क्या हो रहा है? जीनी ने आवाज तो नहीं सुनी होगी। अब मैं जा रही हूँ मिस्टर हर्ब। जल्दी जाओ और थोड़ा आराम कर लो। कहीं पपी बाहर तो नहीं आ गया? अच्छा मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। बहुत शैतान हो तुम, जाना चाहते हो? बाय बाय। ये हर रोज कहाँ जाता है? आ गए तुम, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। कल मेरी छुट्टी है तो हम पूरा दिन खेलेंगे। अगले दिन की शुरुआत, और मिस्टर हर्ब परेशान है क्योंकि हर रोज आने वाला पपी आज नहीं आया। आज वो आया क्यों नहीं? कहीं उसके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई? तुम फिर से खेलना चाहते हो? जीनी, जीनी। जी मिस्टर हर्ब। क्या तुम मुझे चूचू टाउन का एक चक्कर लगवा सकती हो? मुझे कुछ ढूंढना है। जरूर, मदद करके अच्छा लगेगा। धन्यवाद। कोई बात नहीं, मैं अभी नियंत्रण कक्ष की तरफ जा रही हूँ। अभी आती हूँ, यहीं पर इंतजार करना। मिस्टर हर्ब। जीनी, बड़ी जल्दी आ गई। जी, तो बताइए आपको क्या ढूंढना है? कुछ ऐसा है जो मेरे लिए कीमती है। ठीक है। जीनी की मदद से मिस्टर हर्ब चूचू टाउन के कोने कोने में तलाश करने लगे। यहाँ पर भी नहीं है। अरे हाँ, हमने तुम्हारा कमरा तो देखा ही नहीं। क्या, मेरा कमरा? जल्दी चलो, क्या तुम मुझे अपने कमरे में ले चलोगी? ठीक है। अरे नहीं, क्या यहाँ भी नहीं है? नहीं, लगता है यहाँ भी नहीं है। तो फिर कहीं और देखना चाहिए। ठीक है। फस गई मैं। शैतान पपी, तुम यहाँ हो मेरे प्यारे बच्चे। अजीब बात है, आपको डॉगी से डर नहीं लगता मिस्टर हर्ब? असल में जिसे मैं ढूंढ रहा था वो ये छोटा पपी है। क्या? इसका कोई मालिक नहीं है, ये हर रोज मेरे पास आ रहा था और हमारी दोस्ती हो गई। मिस्टर हर्ब, मुझे आपको एक बात बतानी है। तो मैंने
कब से? जीनी ने मिस्टर हर्ब को सारा सच बता दिया। ओह ये बात है, मुझे माफ कर दीजिए। देखो जीनी, कैसा रहेगा अगर हम मिलकर इस पप्पी की चूचू टाउन में देखभाल करें? सच में मिस्टर हर्ब? मजा आएगा। ये बताओ इसका नाम क्या रखें? चीची कैसा रहेगा? अब ये हमारे शहर में रहेगा तो मिलता जुलता नाम रखना चाहिए चूचू से चीची। चूचू टाउन का चीची बहुत प्यारा नाम है। ओ, टीटी बो। तुम्हारा काम खत्म हो गया? जी बिल्कुल। अच्छी खबर सुनो, हमने तय किया है कि ये पप्पी चूचू टाउन में रहेगा। इसका नाम है चीची। वाह बहुत बढ़िया, चीची नाम भी बहुत प्यारा है। अब से हम सब अच्छे दोस्त हैं चीची। हाँ अच्छे और पक्के दोस्त। अब चूचू शहर में एक नया दोस्त आ गया है। तुम्हारा स्वागत है चीची। जीनी ने बनाया एक नया दोस्त। छोटी रेलगाड़ियाँ हमेशा की तरह आज भी बहुत काम कर रही हैं। हम पहुँच गए। वाह छोटा सा पापी कितना प्यारा है। अरे देखो कितना सुंदर पप्पी। ये अकेला यहाँ क्या कर रहा है? शायद किसी का इंतजार कर रहा है। किसी का इंतजार कर रहा है? चलने का समय हो गया। बाय छोटे पप्पी। जीनी चूचू टाउन में वापस आ गई। मैं आ गई। हेलो जीनी, आज का दिन अच्छा रहा? हाँ मैंने अपने रूट पर आज एक छोटे से पप्पी को देखा। पप्पी देखा तुमने? हाँ, पर ऐसा लगा जैसे वो किसी को ढूंढ रहा हो। शायद मालिक से बिछड़ गया हो। अगर उसे उसका मालिक नहीं मिला तो उसे एनिमल पाउंड में भेज देंगे। वो क्या होता है? वहाँ पर लावारिस जानवरों को शरण दी जाती है। ओ, बेचारा। अगला दिन शुरू हो गया और जीनी अपने काम पर जा रही है। हेलो मिस्टर हर्ब। ओ जीनी, तुम्हारा सफर अच्छा रहे। शुक्रिया, बाद में मिलूंगी। ठीक है, अपना ख्याल रखना। और जिनी कैसी हो? हेलो गुड मॉर्निंग। बेचारी जीनी, कितनी भूल लग गई इस पर। हेलो स्वागत है। कितनी भूल है, माफी चाहती हूँ। दिन भर मेहनत करने के बाद जीनी चूचू टाउन आ रही है। यही हो? कोई यात्री नहीं है, मेरा काम खत्म हो गया इसलिए घर जा रही हूँ। आज का दिन सबसे ज्यादा खराब रहा। कुछ कहना है? मैं तुम्हारे पीछे आऊँ? कहाँ जा रहा है ये? वाह कितनी सुंदर जगह है, मैं यहाँ पहले कभी नहीं आई। पप्पी तुम मुझे यहाँ खुश करने के लिए लेकर आए? होने लगी, जल्दी करो
अच्छा हुआ। क्या बात है? वाह! इंद्रधनुष कितना सुंदर है। जीनी और पपी बहुत अच्छे दोस्त बन गए और हर रोज जीनी अपने नए दोस्त से मिलने के लिए कंट्री स्टेशन जाने लगी। हेलो छोटे पपी। ढूंढ लिया। टिटीपो टिटीपो। हाय दोस्तों। हेलो। कहाँ को चली? आज तो छुट्टी है तुम्हारी। हाँ जीनी, तुम हर रोज कहाँ जाती हो? तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते? देखना तुम्हें अच्छा लगेगा। हाँ? मेरे पीछे आओ। ठीक है। वाह! अरे वाह! ये तो दुनिया का सबसे प्यारा पपी है। कितना प्यारा है। है ना? मुझे पता था तुम्हें जरूर पसंद आएगा। लगता है पपी मुझे पसंद करता है। अजीब बात है, मुझे गर्म क्यों लग रहा है? क्या किया ये? पपी को लगा तुम बाथरूम हो। क्या बाथरूम? काश हम पपी के साथ हर रोज खेल पाए। लेकिन दोस्तों, लगता है ये किसी का इंतजार कर रहा है। जरूर कर रहा है, शायद अपने मालिक का कर रहा हो। ऐसा लगता है। पपी को अलविदा कहने के बाद तीनों दोस्त वापस शहर की ओर चल पड़े। हम आ गए मिस्टर हॉप। बढ़िया, इसको देखो और मुझे बताओ कि क्या तुमने इस पपी को देखा है? इसका मालिक इसे ढूंढ रहा है। ओ, इसी पपी को तो हमने देखा था, है ना? तुमने इस पपी को पहले देखा है? हाँ, इसी को देखा था। जीनी बताओ ना। आओ, नहीं गलत कह रहे हो, ये वो पपी नहीं है। ये वो नहीं है? मैं बाद में मिलती हूँ। जीनी, अजीब बात है। अगर पपी को मालिक मिल गया तो मैं उसे कभी नहीं मिल पाऊंगी। जरा सुनिए, क्या आपने ये पपी कहीं पर देखा है? नहीं, सॉरी। क्या आप बता सकती हैं, आपने इस पपी को कहीं आसपास देखा है? जरूर इनका ही पपी होगा। अब मैं क्या करूं? अरे देखो, कितना सुंदर पपी। ये अकेला यहाँ क्या कर रहा है? किसी का इंतजार कर रहा है। पपी भी अपने मालिक को ढूंढ रहा था। मुझे अपने दोस्त की मदद करनी होगी। क्या आपने मेरे पपी को देखा है सर? मैंने देखा है। मुझे पता है आपका पपी कहाँ है। अभी आपको वहाँ लेके जा सकती हूँ। सच? ले जाओगी? तुम्हारा शुक्रिया। सुनो पपी, बाहर आ जाओ। कहाँ चला गया? यहाँ तो मेरा कोंगी नहीं है। सच कह रही हूँ, यही था। सुनो पपी। पपी को ले गया? हाँ, उसने सोचा होगा वो हमारा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये काम मुझ पर छोड़ दो तुम। उसे मेरे दोस्त को वापस लाना होगा। जरा सुनिए। प्लीज जरा रुकिए। मुझे उम्मीद है टायो उसे वापस ले आएगा। काश ऐसा ही हो। हाँ।
जीनी टायू। क्या कॉन्की मिल गया? मैंने कहा था ना मैं लेकर आऊंगा पपी, देखो। कॉन्की, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। मिल ही गया। जीनी टायो, तुम दोनों का शुक्रिया। कोई बात नहीं। मदद करके अच्छा लगा। एक नए दिन की शुरुआत हुई और छोटी रेलगाड़ियाँ काम पर जाने के लिए तैयार हैं। हाय जीनी, काम पर जा रही हो? बाद में मिलती हूँ। ये जीनी इतनी उदास क्यों है? कोंगी की वजह से, अब वो उसे नहीं मिल पाएगी। बेचारी जीनी। कोंगी तुमसे मिलने की जिद कर रहा था जीनी। क्या सच में? इसलिए हम टहलने के लिए हर रोज यहाँ आया करेंगे। मुझे लगा था मैं फिर से नहीं मिल पाऊंगी। कोंगी। जीनी अब भी कोंगी से रोज मिल पाएगी। कितनी अच्छी बात है ना? मिस्टर हर्ब के लिए मुश्किल भरा दिन। एक खूबसूरत सुबह की शुरुआत। आज देखते हैं मिस्टर हर्ब क्या काम करते हैं। लोगों की शिफ्ट शुरू होने वाली है। ठीक समय पर आए लोगों। हाय मिस्टर हर्ब, गुड मॉर्निंग। आज का तुम्हारा दिन अच्छा बीते लोगों। शुक्रिया, लौटकर आपसे मिलता हूँ। बाय। ये तो बंदरगाह जा रहा है। ओह, गलत डिब्बे। लोगों, तुम गलत डिब्बे ले जा रहे हो। लोको, मेरी आवाज नहीं सुन पाया। कहीं ज्यादा दूर ना निकल जाए। ओह, अरे नहीं, मेरी चाय। ये क्या हो गया? अरे, मेरी केतली भी गई। अब क्या करूं? पहले मुझे लोको से बात करनी चाहिए। लोको, लोको। ला 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 ला। लो, लो। ओ, ऐसा लगा मैंने कोई आवाज सुनी अभी। कान बज रहे होंगे। लोको, लोको। ये क्या? शायद मेरा माइक खराब हो गया। हेलो मिस्टर हर्ब। कौन आया है? टीटी पो, क्या बात है? क्योंकि आज हमारी छुट्टी है, डीजल जीनी और मैं बाहर घूमने जा रहे हैं। घूमने? ओह ठीक है, जाओ मौज करो। मुझे जाना होगा। बाय। ओ मिस्टर हर्ब, आज अजीब हरकतें कर रहे हैं। जल्दी चलूं। ओ मिस्टर हर्ब, क्या आप ठीक हैं? कंट्रोल सेंटर का रेडियो खराब हो गया है, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। क्या रेडियो? इसका मतलब आप बाहर काम करने वाली रेल से बात नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक, मैं लोगों को बताना चाहता था कि वो गलत डिब्बे ले जा रहा है, लेकिन बता नहीं पाया। ओ, क्यों ना मैं लोगों को मालबूगी पहुंचा दूं? लेकिन तुम तो घूमने जा रहे हो ना? मैं कभी और चला जाऊंगा, आज यहीं रुककर आपकी मदद करूंगा। ठीक है, थैंक यू टीटीपो। जी। डीजल और जीनी को बता दूं, मैं उनके साथ नहीं जा सकता। रेडियो सिस्टम खराब हो गया है? हाँ। क्या सच में? बहुत बुरा हुआ। मैंने सोचा है आज मैं मिस्टर हर्ब की मदद करूंगा। तुम दोनों मेरे बिना चले जाओ। ठीक है। तो ठीक है फिर। ठीक है, बाद में मिलते हैं। ठीक है। डीजल, तुम भी मिस्टर हर्ब की मदद करना चाहते हो? ठीक है, चलो चलते हैं फिर। एह।
मिस्टर हब। या, हा, हा, बोलो क्या बात है? चिचिपू ने बताया क्या हुआ? हमने सुना आपका रेडियो खराब हो गया। ठीक सुना, टीओ कुछ पार्ट्स लेने गया है इसलिए ठीक होने में समय लगेगा, बड़ी मुश्किल है। क्या हम भी आपकी मदद कर सकते हैं? अभी अभी मुझे खबर मिली है कि सिंह सिंह चौराहे के बीच में खराब हो गई है। वो चल नहीं पा रही। मुसीबत ये है कि फिक्स और लिफ्ट कहीं और हैं और सिंह सिंह की मदद के लिए नहीं पहुंच सकते, इसलिए परेशान हूँ। चिंता छोड़िए, मैं सिंह सिंह को खींचकर प्रोडक्शन प्लांट ले जाऊंगी। तुम ये कर दोगी? जरूर, मैं जल्दी वापस आती हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मिस्टर हब, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं भी मदद करना चाहता हूँ। हाँ, यहीं इंतजार करो डीजल। ठीक है। डीजल जी, मैनी और बर्नी बंदरगाह में हैं। क्या तुम उन्हें कुछ माल बोगी पहुंचा दोगे? जरूर, समझिए काम हो गया आपका। जैसे ही लोको काम पर पहुंचा, उसे पता चला कि वो गलत माल बोगी ले आया है। लोको, हम इन बोगियों में सामान नहीं रख सकते। हाँ, आप मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए प्लीज, मैं अभी मिस्टर हब से बात करता हूँ। ठीक है। मिस्टर हब, सुनिए मिस्टर हब, मिस्टर हब, वो जवाब क्यों नहीं दे रहे अब? लोको! ओ? लोको! टिटिपो! मैं तुम्हारे लिए ठीक माल बोगी ले आया। हाँ? सच में? और शुक्रिया, तुम्हें किसने बताया कि मुझे ये चाहिए? मुझे मिस्टर हब ने बताया। उन्होंने बताया? मैंने उन्हें फोन किया, वो जवाब क्यों नहीं दे रहे? कंट्रोल सेंटर का रेडियो खराब हो गया, इसलिए मैं उनकी मदद कर रहा हूँ। उनकी मदद? जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तो मैं भी उनकी मदद करूँगा। हाँ, ये अच्छा रहेगा। टिटिपो, टिटिपो। मैं तो आज बहुत देरी से पहुँचूंगा। सिंह सिंह! ओह, हाय चीनी। एक मिनट रुको, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। ओह, शुक्रिया। सिंह सिंह को अपने साथ जोड़कर जीनी उसे ठीक कराने ले जा रही है। सच में? हाँ, रेडियो खराब है, मिस्टर हब फिक्स से बात नहीं कर पा रहे थे तो मैं आ गई। ओह, तो मैं भी मदद करूँगी। चेकअप के बाद मैं सीधा मिस्टर हब के पास जाऊँगी। अच्छी बात है। डीजल मैनी और बर्नी के लिए माल बोगियाँ लेकर बंदरगाह पहुँच गया है। डीजल, तुमने मैनी और बर्नी को देखा है क्या? शायद मैंने उन्हें शहर वापस जाते देखा है। शहर चले गए? हमने एक दूसरे को देखा नहीं होगा। बहुत बुरा हुआ, चूचू शहर में सारी गड़बड़ मेरी वजह से हुई है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैनी और बर्नी का सामान डीजल लेकर जा रहा है। मिस्टर हब, ओ टियो, देरी के लिए माफी। कोई बात नहीं। लगता है इसे ठीक करने में थोड़ा वक्त लगेगा, कोई दिक्कत तो नहीं? अब तक तो सब ठीक ही चल रहा है, छोटी रेलगाड़ियां मदद कर रही हैं। ये तो अच्छा है। ओह, पटरी पर चट्टानें गिर गई हैं और एरिक इसी रूट पर गया है। अगर उसे जल्दी नहीं बता पाया तो हादसा हो सकता है। हादसा? इसे टाल नहीं सकते, मुझे खुद जाकर उसे बताना होगा। टियो, तुम माइक ठीक करो, मैं आता हूँ। ठीक है, मैं ठीक कर दूंगा। मैं तुम्हारा स्कूटर ले जाऊं। मेरा स्कूटर? थैंक्स। एरिक को हादसे से बचाने के लिए मिस्टर हब तेजी से जा रहे हैं। थोड़ा सा और आगे जाना है। एरिक! एरिक! ये स्कूटर की रफ्तार क्यों कम हो गई? ये क्या, पेट्रोल खत्म हो गया क्या? रुको एरिक, इस रूट पर खतरा है। एरिक! कितना अच्छा मौसम है। एरिक! मिस्टर हर्ब, क्या कोई दिक्कत है? एरिक के रास्ते पर चट्टानें गिरी हुई हैं, मुझे उसे रोकना है।
क्या तुम मुझे ले चलोगे? क्यों नहीं, जल्दी बैठिए आप। एरिक! लगता है इतनी दूर से एरिक तक आवाज नहीं पहुंच रही। और हम क्या कर सकते हैं? थोड़ा जल्दी चलो। कोशिश करती हूँ उसके नजदीक पहुंचने की। एरिक! मैं क्या करूँ? स्टेशन आ गया। एरिक, माफ करना। एरिक, जरा हटिए। अब अगले स्टेशन की तरफ चल रहे हैं हम। रुको, रुक जाओ एरिक। एरिक, मिस्टर हर्ब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूँ। अगले स्टेशन के रास्ते में पटरी पर कुछ बड़ी बड़ी चट्टानें गिर गई हैं, इसलिए तुम्हें दूसरे रास्ते से जाना होगा। बताने के लिए शुक्रिया, लेकिन मिस्टर हर्ब, आप इतनी दूर क्यों आए? आप ये तो मुझे रेडियो पर भी बता सकते थे। ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा एरिक, यात्री तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हें अब जाना चाहिए। ठीक है, शहर आकर मिलूंगा। ठीक है, शुक्र है। मिस्टर हर्ब के छोटे साथी वापस शहर आ रहे हैं। जीनी, डीजल, टिटिको, बाहर जाकर खूब मस्ती की तुमने? हमने सोचा कि हम भी नहीं जाएंगे। यहीं रुककर मिस्टर हर्ब की मदद की, अच्छा किया। मुझे पता नहीं था मिस्टर हर्ब के पास इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं। मुझे भी नहीं पता था। हैरानी की बात है कि वो इतने सारे काम हर रोज अकेले करते हैं। सही कहा। टिटिको, जीनी, डीजल। ओह, मिस्टर हर्ब, क्या रेडियो ठीक हो गया? ठीक हो गया। ये तो बहुत अच्छा हुआ। सुनो, तुम सबका शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैं अपना काम कर पाया। तुम सब ने आज मेरी बड़ी मदद की। मैंने हमेशा तुम्हें छोटा बच्चा समझा, लेकिन आज नहीं। हमने कमाल का काम किया। जब भी आपको मदद चाहिए हो हमें बता दीजिए मिस्टर हर्ब। आप विश्वास कर सकते हैं, हमेशा हाजिर रहेंगे आपके तीन शैतान। ठीक है। छोटी रेलगाड़ियाँ पूरा दिन मिस्टर हर्ब की मदद करने में लगी रहीं। तुम सबने बहुत अच्छा किया, शाबाश।